अंतरिक्ष में एक नई आफत घूम रही है और इस आफत की चौड़ाई 60 किलोमीटर है। और आपको बता दें कि ये आफत कुछ और नहीं बल्कि एक धूमकेतु है, लेकिन ये धूमकेतु अपने आप में बेहद अनोखा है क्योंकि इस धूमकेतु पर ज्वालामुखी में विस्फोट हो रहा है, यानी कि इस धूमकेतु पर कई ज्वालामुखी मौजूद हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस ज्वालामुखी से कोई गर्म लावा नहीं निकल रहा, बल्कि इससे बर्फ और ठंडी गैस निकल रही है। और वैज्ञानिकों की माने तो ये ज्वालामुखी अभी तक 10 लाख टन बर्फ और गैस उगल चुका है। साथ ही इस ज्वालामुखी से एक बेहद दिलचस्प चीज निकल रही है और वो है जीवन उत्पत्ति के मटेरियल्स। जी हाँ, ये वही चीज है जिनसे जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो क्या है ये पूरा मामला, ये आपको हम बताते हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। तो दोस्तों, मैं जिस धूमकेतु की बात कर रहा हूं, ये सूरज की परिक्रमा कर रहा है और सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में इसे करीब 14 साल और 11 महीने लग जाते हैं। और ये जिस तेजी से चक्कर लगा रहा है, उसी तेजी से इसके ऊपर धमाके भी हो रहे हैं, ज्वालामुखी भी फट रहे हैं और ज्वालामुखी से ठंडी गैस और बर्फ बाहर फैल रहे हैं। इस धूमकेतु को 29P कहा जाता है। साथ ही ये उन 100 धूमकेतुओं में से एक है जिसे सेंटॉर्स कहा जाता है, जो कुइपर बेल्ट से निकलते हैं। और आपको बता दें कि ये जो कुइपर बेल्ट है, ये बर्फीले धूमकेतुओं का एक घेरा है जो नेपच्यून के पीछे होता है। तो इस वीडियो में मैं इसी धूमकेतु और इस पे मौजूद ज्वालामुखी के बारे में बता रहा हूं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस माना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, ये जो धूमकेतु है, इसके बारे में वैज्ञानिकों की दिलचस्पी इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इस धूमकेतु से वो मटेरियल्स निकल रहे हैं जिससे जीवन की उत्पत्ति हो सकती है। तो वैज्ञानिक ये जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार ये धूमकेतु किन इलाकों से होकर गुजरी है, और अगर जिन इलाकों में वो गई है तो क्या वहां पर भी किसी तरीके से जीवन की उत्पत्ति हो पाई है। और ये धूमकेतु अचानक इसलिए वैज्ञानिकों की नजर में आया क्योंकि 22 नवंबर को वैज्ञानिकों ने देखा कि इस धूमकेतु की चमक बहुत बढ़ गई है। और जब उसको बहुत गौर से देखा गया तो वैज्ञानिकों को पता चला कि इस चमक के बढ़ने के पीछे वहां पर हुई एक ज्वालामुखी विस्फोट है, जो कि पिछले 12 साल में देखा गया दूसरा सबसे बड़ा विस्फोट था। पिछला सबसे बड़ा विस्फोट सितंबर 2021 में हुआ था। और वैज्ञानिकों की माने तो ये विस्फोट जो है अपने आप में बेहद दुर्लभ है क्योंकि ये बहुत बड़ा विस्फोट था। और ये कहना भी मुश्किल है कि ये इतना बड़ा विस्फोट क्यों हुआ। विस्फोट के बाद 27 नवंबर और 29 नवंबर को भी इसमें दो छोटे छोटे विस्फोट हुए। और जैसा कि आपको पता ही है कि पृथ्वी के ज्वालामुखी की बात करें तो वो गर्म मैग्मा और राख उगलते हैं, जबकि इस धूमकेतु पर मौजूद ज्वालामुखी अपने अंदर से बेहद ठंडी गैस और बर्फ बाहर फेंकता है। और ज्वालामुखी की इस बेहद ही दुर्लभ गतिविधि को क्रायोवोल्केनिज्म कहते हैं या कोल्ड वोल्केनिज्म कहते हैं। अब आप ये जानना चाहेंगे कि ये क्रायोवोल्केनिज्म क्या होता है, तो इसके बारे में जो वैज्ञानिकों ने बताया है उसके मुताबिक सौर मंडल के कुछ धूमकेतु और चंद्रमा क्रायोवोल्केनिक बॉडी हैं, जैसे शनि का एनसेलेडस, बृहस्पति का यूरोपा और नेपच्यून का ट्राइटन। इनकी सतह के नीचे बर्फीला और ठोस कोर होता है और समय के साथ सूरज की रेडिएशन धूमकेतु के बर्फीले अंदरूनी हिस्से को ठोस से गैस में बदल देती है, जिसके कारण क्रस्ट के नीचे दबाव बनता है और रेडिएशन क्रस्ट जो है वो कमजोर हो जाता है।
और इसी दबाव की वजह से बाहरी परत फट जाती है और क्रायो मैग्मा तेजी से निकलकर अंतरिक्ष में फैलने लगता है। और अगर इस धूमकेतु की बात करें जिसे 29P कहा जा रहा है, तो इसका जो क्रायो मैग्मा है वो खासकर कार्बन और मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस से बना हुआ है। इसके अलावा इसमें कुछ बर्फीले ठोस और तरल हाइड्रोकार्बन भी मौजूद होते हैं जो जीवन की उत्पत्ति के लिए जरूरी रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं। और मैं बता दूं कि ये जो धूमकेतु है, इससे जो अभी फिलहाल में जो विस्फोट हुआ है उससे निकला हुआ मलबा 56,000 किलोमीटर दूर तक फैल गया है और ये 1,295 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये करीब 10 लाख टन से ज्यादा मलबा हो सकता है। वैज्ञानिकों ने यह भी संभावना जताई है कि आने वाले साल में यानी अगले साल 2023 के अंत तक इस धूमकेतु पर कम से कम एक और बड़ा विस्फोट होगा, क्योंकि वैज्ञानिकों ने जो पिछले कई साल का आंकड़ा उठाया है उसके बाद उन्हें पता चला कि 2008 और 2010 के बीच इस धूमकेतु पर कई बड़े विस्फोट हुए थे और उसी के आधार पर जब एनालिसिस किया गया तो ये बात निकल कर सामने आई कि पिछले दो साल में जिस तरीके से दो बड़े विस्फोट हुए हैं उसी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 2023 के अंत तक एक बार फिर इस 29P धूमकेतु पर एक बड़ा विस्फोट हो सकता है। लेकिन वैज्ञानिक अभी तक ये नहीं जान पाए हैं कि आखिरकार इस तय अंतराल पर विस्फोट होने की क्या वजह है, क्योंकि जो बाकी धूमकेतु होते हैं वो अपनी कक्षा की एक खास अवधि के दौरान सूर्य के पास आते हैं। लेकिन अगर हम इस धूमकेतु की बात करें तो इसका जो ऑर्बिट है, इसकी जो कक्षा है वो काफी हद तक गोलाकार है और ये धूमकेतु किसी खास समय पर सूर्य के करीब नहीं आता है, यानी कि ये सूर्य से लगभग एक समान दूरी पर सूर्य की चक्कर लगा रहा है। यही वजह है कि वैज्ञानिक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार जब इस पर सूर्य का प्रभाव एक समान पड़ रहा है तो इस पर असामान्य तरीके से ज्वालामुखी में विस्फोट क्यों हो रहा है। इस धूमकेतु पर हो रहे ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद वैज्ञानिक अब यह समझने में लगे हुए हैं कि जिस तेजी से इस धूमकेतु से मलबा बाहर फैल रहा है और जितने दूर तक फैल रहा है, तो क्या ये कभी ऐसा हो सकता है कि ये हमारी पृथ्वी के लिए खतरनाक हो सकता है। क्योंकि आपको बता दें कि इस ज्वालामुखी और इस धूमकेतु की खोज 1927 में ही कर ली गई थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन एक के बाद एक जिस तरीके से इसमें ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है उसके बाद वैज्ञानिक इसकी स्टडी करने में लगे हुए हैं और हो सकता है कि अगले साल जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है वो इसके करीब जाए और इसकी करीब से फोटो ले और उस तस्वीरों से हो सकता है कि इस धूमकेतु के बारे में कुछ और रहस्यों का खुलासा हो सके। लेकिन फिलहाल वैज्ञानिक यही मान रहे हैं कि इस धूमकेतु से निकला हुआ मलबा या ये धूमकेतु पृथ्वी के लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर आने वाले दिनों में अगर ये अपना ऑर्बिट चेंज कर ले या इसका मलबा पृथ्वी के आसपास पहुंचने लगे तो हो सकता है कि वो खतरा हो जाए। लेकिन फिलहाल ये धूमकेतु हमारी पृथ्वी के लिए कोई भी आफत या कोई भी खतरा नहीं है। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।